भारतीय इतिहास में एक ऐसा युद्ध जो सबसे चर्चित युद्धों में से एक है, एक ऐसा युद्ध जिसमें इतना भयंकर रक्तपात हुआ था कि लगभग 2.5 लाख सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। 2.5 लाख लोगों की मृत्यु की वजह से एक नदी लाशों का ढेर बन गया था और नदी का पूरा पानी लाल हो गया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ कलिंगा युद्ध के बारे में। कलिंगा युद्ध जीतने के बाद अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू व्लॉग पर। तो फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा हम लोग होटल से निकलने के बाद चंद्रभागा बीच गए, वहाँ से कोणार्क टेम्पल से धौलीगिरी शांति स्तूप देखने के लिए आ चुके हैं। तो आप सभी को भी हम लोग लेके चलते हैं थोड़ा ऊपर धौलीगिरी शांति स्तूप देखने के लिए, जो कि उड़ीसा भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। धौलीगिरी शांति स्तूप गौतम बुद्ध को समर्पित है। तो गाइस चलिए व्लॉग पर बने रहिएगा, मैं आप लोग को दिखाऊंगी धौलीगिरी का शांति स्तूप। तो गाइस हम लोग अभी ऊपर जाने ही वाले हैं और नीचे का लोकेशन आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर मार्केट लगा हुआ है। यहाँ पे हर जगह पे कैप और चश्मा आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ बहुत गर्मी रहती है इसलिए कैप वगैरह सब बेचते ही हैं, और बहुत सुंदर सुंदर कैंडी भी रखा हुआ था यहाँ पर। तो हम लोग अभी एक दुकान पर जाते हैं क्योंकि मेरे को लेना था कैप, बहुत गर्मी है यहाँ पर। आप सभी कभी अगर आओ घूमने तो सर्दी में आना, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी रहती है तो आप लोग गर्मी में समझ सकते हो घूमना अच्छा नहीं रहता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कैप, और मेरे को एक भी समझ नहीं आया तो फिर मैं नहीं रखी और हम लोग चले गए ऊपर। तो फ्रेंड्स, धौलीगिरी पहाड़ी पर चढ़ने से पहले देख सकते हो काफ़ी सुंदर मार्केट लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारे कैंडीज़ और काजू किशमिश बादाम वगैरह और मीठा वगैरह बहुत सारा कुछ रखा हुआ है। चॉकलेट्स देख सकते हो यहाँ पर, स्नैक्स वगैरह बहुत सारे कुछ रखे हुए हैं। छोटा सा मार्केट है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर गौतम बुद्ध जी का मूर्ति भी है और हमारे श्री गणेश जी भी यहाँ पर हैं, देख सकते हो कितना सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं यहाँ पर, अलग अलग प्रकार की, बहुत सुंदर बहुत प्यारी हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग धौलीगिरी पहाड़ी पर चढ़ चुके हैं अभी सीढ़ियों से, और यहाँ से हम लोग आगे जाते हुए यहाँ पे देख सकते हो स्टार्टिंग में बोधि वृक्ष भी है एक, और सामने धौलीगिरी पहाड़ी पर ये गौतम बुद्ध का स्तूप शांति स्तूप बना हुआ है। कितना प्यारा लग रहा है ये। यहाँ पर एक शिव मंदिर भी है लेकिन हम लोग उधर जा नहीं पाए क्योंकि हम लोग बहुत हड़बड़ी में यहाँ पर आए और यहाँ से गए, तो हम लोग देख नहीं पाए अच्छे से। पर कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कुछ देख लिए, बहुत ही अच्छा लगा। बस यहाँ थोड़ा गर्मी है, वही ठीक नहीं लगा, बाकी सब भी ठीक है। यहाँ पर एक जापान बुद्ध संघ का मंदिर भी बना हुआ है, देख सकते हो गाइस छोटा सा, ये भी बहुत सुंदर है अंदर से। और बाहर का लोकेशन भी काफ़ी प्यारा है, काफ़ी बड़ा जगह है, बहुत सुंदर लग रहा है। शांति स्तूप देख सकते हो इतना प्यारा, हम लोग इसको सिर्फ हिस्ट्री के बुक में ही पढ़े थे लेकिन आज सामने से देख रहे हैं, काफ़ी प्यारा लग रहा है। धौलीगिरी शांति स्तूप गौतम बुद्ध को समर्पित किया गया है दोस्तों, और इसे 1972 में जापान बुद्ध संघ और कलिंग बुद्ध संघ के द्वारा बनाया गया था इस शांति स्तूप को। तो गाइस हम लोग फाइनली थोड़ा सा सीढ़ी से ऊपर जाने के बाद पहुंच जाते हैं ऊपर, और सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग में ही गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा बनी हुई है, देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है ये। और इसके जस्ट सामने ही दो शेर बने हुए हैं सीढ़ी के अगल बगल पर, और यहाँ पे हम लोग फ़ोटो क्लिक कराने लग गए क्योंकि अब इतना दूर से आए तो फ़ोटो लेना तो बनता ही है। तो हम लोग फ़ोटो ले लिए और चलते हैं थोड़ा सा आगे।
यहाँ पे देख सकते हो शांति स्तूप पर कितना सुंदर मूर्ति बना हुआ है छोटा छोटा, और यहाँ से भुवनेश्वर शहर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ का चित्रकला देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ भी दो शेर हैं और उसके जस्ट सामने देख सकते हो ये सब भुवनेश्वर शहर जो दिखाई दे रहा है, सब भुवनेश्वर शहर है। और यहाँ पे गाइस लेफ्ट में आप लोग देख सकते हो छोटा सा नदी भी दिखाई दे रहा है। यहीं पर कलिंग का युद्ध हुआ था जिसमें ढाई लाख लोगों की मृत्यु हुई थी और यहाँ का नदी पूरा पानी, इसका पानी पूरा लाल हो गया था। यहाँ पे गौतम बुद्ध जी का शांति स्तूप देख सकते हो, ये भी कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे काफ़ी लोग थक कर बैठ चुके हैं क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे गाइस चप्पल जूता उतार के ही आना होता है क्योंकि ये जगह बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। और गाइस देख सकते हो जस्ट पीछे भी एक रास्ता सीढ़ी है, इसमें से शिव मंदिर जाने का रास्ता है। यहाँ आने के लिए दो रास्ता है, आगे और पीछे। देख सकते हो यहाँ भी एक मूर्ति बना हुआ है जो कि कितना प्यारा कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। इसके जस्ट राइट साइड में भी एक, लेफ्ट साइड में, ये सब देख सकते हो चित्रकला कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत है। और इसके जस्ट साइड में भी दो शेर बने हुए हैं। और इधर पूरा शहर दिखाई देता है, पूरा खेत व खेत सब है, बहुत ही प्यारा हरा भरा लग रहा है। शांति स्तूप देख सकते हो पूरा ऊपर से नीचे तक कितना प्यारा लग रहा है, जिसको हम लोग हिस्ट्री के बुक में देखे थे उसको आज रियल में देख रहे हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग पूरे चारों राउंड घूम लिए और हम लोग फाइनली वहीं पहुंच चुके हैं जहां से हम लोग स्टार्ट किए थे, जहां से हम लोग चढ़े थे। और हमारे दोस्त लोग यहां पे घूम फिर रहे हैं और हम लोग घूम के आ गए पूरा, उसके बाद फिर से फ़ोटो ले रहे हैं। यहाँ से भुवनेश्वर शहर भी दिखाई दे रहा है, यहीं से हम लोग फोटो ले। हाँ, पूरा शहर वहर सब दिखा चुका हूँ मैं पूरा एकदम। कुछ बोलना चाहते हो इसके बारे में? अशांति बोलने के लिए कुछ लफ्ज़ नहीं है, बहुत कुछ है लेकिन निकल नहीं रहा मुंह से। मुंह से निकालो, सब अभी फोटो शूट कर रहे हैं। एकदम बड़ा है वो, देखो ऊपर राउंडिंग होके। हाँ सब पूरा राउंडिंग। तो गाइज हम लोग पूरा शांति स्तूप घूम चुके और अभी हम लोग जाने वाले हैं यहाँ से डायरेक्ट जूलॉजिकल पार्क। तो गाइज सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं हम लोग और यहाँ का नज़ारा आप लोग देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, पूरा हरा भरा है। और ये दीपक भी इधर से आ रहा है ब्लॉगिंग करते हुए। सीढ़ी देख सकते हो गाइज काफ़ी ऊँचा है। और यहाँ पर देख सकते हो बोधि वृक्ष भी है, उसके जस्ट बगल में जापान बुद्ध संघ का मंदिर भी है एक छोटा सा। तो गाइस ये धौलीगिरी शांति स्तूप धौली पहाड़ी पर बना हुआ है, यहीं पर कलिंग राज और अशोक साम्राज्य का युद्ध हुआ था। शांति स्तूप के नीचे और सीढ़ी के जस्ट बगल में एक बोर्ड बना हुआ है जहाँ पे हिस्ट्री लिखा गया है शांति स्तूप का, आप लोग पढ़ सकते हो। और ये धौली पहाड़ी पर स्थित है, ये धौली पहाड़ी है और इसके जस्ट बगल में तो अभी हम लोग जा रहे हैं गाड़ी की साइड नीचे की ओर। नीचे हम लोग का गाड़ी लगा हुआ है और यहाँ देखो कितना अच्छा बुद्ध लोग का कितना अच्छा मूर्ति यहाँ पे है, एकदम मार्केट के जैसे यहाँ पे दुकान खोल के रखे हैं, बहुत ही अच्छा। और इधर की महंगाई की बात करूँ तो भाई के जी का है 70 रुपये, काफ़ी 70 रुपये, बहुत ही अच्छा। कैसे है ये सब? यहाँ पे एकदम मस्त मस्त देखो, ये जिराफ है, ये घोड़ा है, ये हाथी है, घोड़ा है, ये सब ऐसे करके। हाथी देखो, ये देखो पूरा मिठाई का स्प्राइट का ठंडा का पूरा खजाना ही खजाना। ये इसको अपने उधर का बोलते हैं ये। और ये पूरा ठंडा सामान यहाँ पे रखते हैं भैया, ये देखो अपने चाट हो भी।
अभी चाट ऑफ फ्रूटी ले चुके हैं और सबको भी नहीं है, माजा है। अच्छा माजा, सॉरी सॉरी गाइस, ये माजा है और सब अभी अपन पियेंगे। गर्मी में ठंडा ठंडा माजा। अभी सब जा रहे हैं गाड़ी के पास, फिर अभी हम लोग जाएंगे झूर, झूर भी जा सकते हैं। पता नहीं यहाँ से कितना दूर है, अपन तो पहली बार आए हैं यहाँ पे। और इधर का आप लोग सीन देखो, बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता है इलाका। तो अभी हम लोग गाड़ी के पास पहुँच गए हैं, बहुत ही अच्छा। और इधर से दीदी लोग आ रहे हैं एकदम फ्रूटी में मजा पी पा के। और इधर अपना गाड़ी रहा, ये देखो सीधा सीधा कुछ नहीं, उम्मीद पहले फूक मार, हवा भरो कर, सीधा खड़ा कर बोला। हाँ आ बोला सीधा, उसने खड़ा कर, वो डंडा निकाल दे सीधा मड़ा वाला। हाँ इसे जोर से मार, एकदम जोर से पूरा ताकत, 1 2 3 लेट्स गो। वाह 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 वाह, बहुत ही खतरनाक है। इधर हमारा ड्राइवर भैया, और ये हमारा गाड़ी रहा। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे जूर की ओर, बहुत ही भयानक जिसे। और यहाँ पे देखो ऐसी कुछ गाड़ी चलता है बड़ा बड़ा, जिसमें 20-25 लोग आराम से बैठ सकते हैं। ये देखो फिर इधर से आ गया गाड़ी, यहाँ सब वही गाड़ी है।